फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। तो मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही चटपटा और यूनिक नाश्ते की रेसिपी, जिसमें आपको बाहर से कुछ भी लाने की जरूरत नहीं। सामान आपके घर में हमेशा अवेलेबल होता ही है। इसे हम एक कटोरी गेहूं के आटे से और सिर्फ 2 चम्मच तेल से बनाकर तैयार करेंगे। ये बहुत हेल्दी भी है और टेस्टी भी है। बच्चे तो इसे हफ्ते में 4 से 5 दिन बनवाना पसंद करेंगे। चाहे आप इसे बच्चों के टिफिन में बनाएं, मॉर्निंग नाश्ते में बनाएं, इवनिंग स्नैक्स में बनाएं, जब चाहे बनाएं। चलिए बनाना शुरू करते हैं। इस चटपटे तीखे मजेदार से नाश्ते को बनाने के लिए यहाँ पे मैंने ग्राइंडिंग जार ले लिया है। इसमें मैं 1 चम्मच डाल रही हूँ जीरा। यहाँ पे मैंने 3 हरी मिर्च ली हैं, 4-5 ली हैं लहसुन की कलियां, और 6 से 7 ली हैं मैंने काली मिर्च। इसको भी इसके अंदर डाल दूंगी। और यहाँ पे मैंने उबले हुए 2 आलू लिए हैं। उबालने के बाद 1 घंटे के लिए मैंने इन्हें फ्रिज में रख दिया था। अगर आपके बड़े आलू हों तो आप 1-2 की जगह 1 ले ले, तो मैंने 2 लिए हैं। और इनको काट के मैं इसके अंदर डाल दूंगी। इस तरीके से इसे मोटा मोटा काट कर इसके अंदर डाल देंगे। 1 इंच अदरक का टुकड़ा इसको छील के काट के मैंने ले लिया है, इसको भी डाल देंगे। और अपने नाश्ते को मजेदार और टेस्टी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 1.5 चम्मच लिया है बेसन, इसको भी इसके अंदर डाल देंगे। थोड़ा सा मैं डाल रही हूँ इसमें नमक। अब हम इसमें 2 से 3 टेबलस्पून के बराबर डाल देंगे पानी। ज्यादा पानी का यूज हम नहीं करेंगे, 2 टेबलस्पून के बराबर पानी डाल को हम पीस कर एक स्मूथ बैटर बनाकर तैयार कर लेंगे। हमने इसको पीस लिया है। ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी मैं आपको दिखा देती हूँ, इस तरीके का है। मुझे ज्यादा ठीक लग रहा था, मैंने इसमें 1 टेबलस्पून पानी और डाला। इसको हम रख देंगे साइड। अब यहाँ पर अब हम एक बड़ा बोल ले लेंगे। मैंने एक बड़ा बोल ले लिया है। मैं इसमें 1/2 कप डाल रही हूँ दही। दही की जगह आप 1 कटोरी छाछ का भी यूज कर सकते हैं। मिला देंगे 1/2 चम्मच नमक या स्वाद के अनुसार, 1/2 चम्मच चीनी। चीनी से क्या होगा, इसमें जो खट्टापन आएगा नाश्ते का वो भी कम होगा और हमारे नाश्ते का जो है कलर भी बहुत ही अच्छा आएगा। 1 टीस्पून में डाल रही हूँ इसमें ऑयल। और हम इस नाश्ते को बहुत कम तेल में बनाकर तैयार करेंगे और ये हमारा नाश्ता बहुत ही फ्लिपी और सॉफ्ट बनता है। अब हम सब चीजों को मिक्स कर लेंगे। जब तक ये दही के साथ घुल मिल नहीं जाते नमक और चीनी, चीज हमारी एक साथ घुल मिल गई है, इसे 1 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। 1 मिनट हो गई है। अब हमारा जो आलू वाला मिक्सचर था ना, ये इसके अंदर सभी डाल देंगे, सभी को पूछ लेंगे ताकि हमारा जो मिक्सचर है थोड़ा भी वेस्ट ना हो। इसे भी हम इसके साथ मिक्स कर लेंगे। हमने इन सब को भी मिला लिया। अब हम इसमें कुछ और चीजें डालेंगे। यहाँ पे मैंने थोड़ी सी गाजर ली है, इसको घिस के ले लिया है। आप चाहे तो बारीक चॉप करके भी डाल सकते हैं, इसको इसके अंदर डाल देंगे। ऐसे तो बच्चे सब्जियां खाते नहीं है, लेकिन इसमें बच्चों को पता भी नहीं चलेगा और ढेर सारी सब्जियां भी खा लेंगे। थोड़ी सी बारीक शिमला मिर्च ली है काट के। अगर आप कोई सब्जी नहीं पसंद करते तो आप छोड़ सकते हैं। प्याज ली है, इसको बारीक काट के ले लिया, इसको भी इसके अंदर डाल देंगे। इसी पत्ता गोभी 2 टेबलस्पून के बराबर है। इन सभी चीजों को मिला लेंगे अच्छे से। इसको मिला लिया है। अब कुछ मसाले डालेंगे। 1/2 चम्मच में डाल रही हूँ इसमें लाल मिर्ची का पाउडर। चाहे तो इसको स्किप कर सकते हैं, बच्चे हैं घर में तो। अगर ज्यादा तीखा लगे आपको, बच्चे नहीं खा सकते, तो 1/4 टीस्पून के बराबर डाल रही हूँ मैं इसमें हल्दी, ताकि हमारे जो नाश्ते में कलर बहुत ही अच्छा है। 1 चम्मच धनिया पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला, 2 पिंच हींग। हींग से उसमें बहुत ही अच्छा खुशबू आएगी और ये डाइजेस्ट होने में भी अच्छा होगा। बारीक कटा हरा धनिया भी डाल देंगे। इन्हें मिला देंगे सभी चीजों को। अब हम यहाँ पर रेसिपी का मेन इंग्रेडिएंट लेंगे, ये है गेहूं का आटा, जिसकी हम चपाती या रोटी बनाते हैं। 1 कटोरी लिया है, लगभग 100 ग्राम के बराबर होगा। थोड़ा थोड़ा इसके अंदर डालेंगे और मिक्स करते जाएंगे। सारा एक साथ डाल देंगे तो इसमें लम्स पड़ जाएंगे। थोड़ा सा फिर डाल देंगे और मिला देंगे। बचा हुआ आटा भी हम इसके अंदर डाल देंगे और इसके साथ घोल लेंगे। हमने सभी चीजों को मिक्स कर लिया। अब हम क्या करेंगे, एक डायरेक्शन में इसको घुमाते हुए कम से कम 10 मिनट तक इसे फेंट लेंगे। ना हम इसमें इनो डालेंगे और ना ही कोई बेकिंग सोडा। फिर भी जो हमारा नाश्ता है बहुत ही सॉफ्ट और फ्लैपी बनकर तैयार हुआ। इसे एक डायरेक्शन में घुमाते हुए फेंट लेंगे 10 मिनट तक। लगभग हमें इसे फेंटते हो गई है 10 मिनट और ये देखिए हमारा जो बैटर है लगभग तैयार ही हो गया है, कितना फ्लिपी हो गया है। अब हम इसे 2 मिनट के लिए कवर करके ऐसे ही छोड़ देंगे, तब तक हम अपना दूसरा काम करेंगे। यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया है। आप पैन की जगह कोई तवा ले लें, जो भी चीज लें, हैवी तले वाला लें। और इसमें थोड़ा सा मैंने तेल डाल दिया है, इसको अच्छे से फैला देंगे इसमें चारों तरफ और इसको गर्म होने देंगे। इस तरीके से हाथ रख के यहाँ पे देख लें कि हमारा तेल गर्म हुआ या नहीं। गर्म हो गया है, मैं रिफाइंड ऑयल का यूज कर रही हूँ। आप जो भी कुकिंग ऑयल यूज करते हैं उसका यूज कर लें। अब हम इसमें क्या करेंगे, ये जो हमारा बैटर है, ऐसे भी 2 मिनट हो गए, इसको अच्छे से घुमा लेंगे। इस स्टेज पर आकर आप अपना नमक इसके अंदर चेक कर लें, अगर कम लगे तो और डाल सकते हैं आप इसमें। और मैं एक यहाँ पे बड़ा चम्मच ली है, इसमें भर के डाल दूंगी। आप चाहे तो इसे अपने बड़ा भी बना सकते हैं पूरा, या फिर इसको आप थोड़ा छोटा भी बना सकते हैं, लेकिन थोड़ा छोटा और पतला बनाएंगे तो खाने में बहुत अच्छा लगेगा।
मैं इसमें थोड़ा सा बैटर और डाल देती हूँ। लगभग यहाँ पे मैंने इसमें 1.5 चम्मच है ये इसमें डाल दिया और इसको फैला दूंगी। इसको बहुत ज्यादा बड़ा ना बनाएं, इसको पतला और थोड़ा छोटा ही बनाएं, इसको फैला दें अच्छे से। और इसको हम यहाँ पे ना तो बहुत ही हाई फ्लेम पे सेकेंगे और ना ही बहुत कम फ्लेम पे, हाई फ्लेम पे सेकेंगे तो क्या होगा, ये जल्दी सिक जाएगा लेकिन अंदर से कच्चा रह जाएगा, और अगर हम लो फ्लेम पे सेकेंगे तो ये क्रिस्पी नहीं हो पाएगा, नरम बनेगा। तो यहाँ पे फ्लेम हमने मीडियम रखा है, इसको 2 मिनट तक बिना ढके ऐसे ही सिकने देंगे, ढक के सिकेंगे तो ये सॉफ्ट हो जाएगा। अभी 2 मिनट हो गई है और हमारा जो नाश्ता है ये भी ये देखिए किनारे पे से पकने लगा है, इसका कलर चेंज होने लगा है। इसे हम क्या करेंगे, एक पलटा ले लेंगे और इसकी हेल्प से इस तरीके से इसे हम पलट देंगे ऐसे। ये देखिए इधर से सिक गया है, कितना अच्छा कलर इसका आया है। फिर इधर से भी 2 मिनट तक हम मीडियम फ्लेम पे सेक लेंगे। 2 मिनट हो गई है, अब हम इधर से भी पलट कर देख लेंगे। ये देखिए इधर से भी कितना अच्छा गोल्डन कलर आ गया है। हम अब उलटते पुलटते हुए दोनों तरफ से फिर से 2 मिनट तक सेक लेंगे। सारा नाश्ता दोनों तरफ से अच्छे से सिक गया है, ये देखिए कितना अच्छा गोल्डन कलर आया है। इसे हम प्लेट में निकाल लेंगे और अपना दूसरा भी इसी तरीके से बनाकर तैयार करेंगे। इसे अपना बैटर लेंगे, घुमा लेंगे और अब हम इसमें ऑयल नहीं डालेंगे और इसमें फिर से हम इसमें डाल देंगे। 1.5 कड़छी में इसमें डाल दे रही हूँ, इसको फैला देंगे। दूसरा भी हमने फैला दिया है, इसको भी इसी तरीके से बना लेंगे। हमारा दूसरा भी बन गया है, इसे भी प्लेट में निकाल लेंगे और इसी तरीके से सभी को बना लेंगे। जी फ्रेंड्स, हमारा चटपटा मजेदार हल्का फुल्का नाश्ता बनकर तैयार है, जिसे सोचो और बना लो। इसको सर्व किया है यहाँ पे मैंने टोमेटो केचप के साथ, और ये बनाना तो इतना आसान है आपने देख लिया। अगर इसे आपको सुबह बच्चों के टिफिन में बनाना है तो रात को सारी तैयारी करके रख दें और सुबह बच्चों के टिफिन में बना दें। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, देंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।